कहते जी आपको मक्की क्यों कहते हैं, ना कहा करें, बस आप खुश हो जाएं। अल्लाह के बंदे में मक्के में पैदा हुआ था इसलिए मक्की कहते हैं। मैं वो नकली मक्की नहीं, आजकल बहुत सारे निकले हैं, सबने अपने नाम के साथ मक्की लगा दिया है, चंदे वो करते हैं, पैसे वो खाते हैं, बदनाम मैं होता हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही है। मैं तो मक्के में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुआ, और अजीब बात है कि मेरा बेटा, एक ही बेटा है, वो अरफात के मैदान में पैदा हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी पीचीदगी हो गई कि बेचारी और इस दोबारा औलाद के काबिल ही ना रही। ईसाल सवाब जो है वो खैरात होती है, गरीबों को दे दिया करो, गनी को क्यों खिलाते हो। तवाफ से, ताइफ से उमरे का बिल्कुल जरूरी है, ताइफ मीकात है, एहराम नहीं बांधो के दम पड़ जाएगी। जिस पीर के पास, छोड़ यार उस पीर को, मैं तो कई पीरों के पास जाता हूं, ऐसी बात तो नहीं है, मानता शानता तो मैं किसी को नहीं, आना जाना तो लगा रहता है ना। कहते जी इलेक्शन में बड़े बड़े उलमा भी तस्वीरें बनवाते, काम ही ऐसा है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब उसमें हिस्सा लोगे तो वही करना पड़ेगा। बिल्कुल सिज्दा तिलावत हो या कोई सिज्दा बगैर वजू के जायज नहीं। मौलाना मौदूदी साहब कहते हैं जायज, अल्लाह उसकी कब्र पे मगफरत फरमाए, रहमत फरमाए। मौलाना मौदूदी साहब जो है ना, याद रखें उनसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ फरमाए। मैं बच्चियों को कुरान का तर्जुमा पढ़ाती हूँ, पढ़ाया करें, छोड़े बातों को कि ग्रामर का पता नहीं है, जितना आपको आता है वो पढ़ा, बल्लग़ू अन्नी वलव आयतन।